बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ज़करिया महमूद, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी एट DPS एंड इंटर कॉलेज साहिबाग। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लासेस एट DPS एंड इंटर कॉलेज साहिबाग। लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज लेसन। अजीज तालिब, आज हम बायोलॉजी 10th क्लास के चैप्टर 11th जो कि होम्योस्टेसिस है के बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, किडनी स्टोन्स एंड किडनी फेलियर्स। यानी आज का हमारा लेक्चर डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, किडनी स्टोन्स और किडनी फेलियर के बारे में। Contents of today's lesson are disorders of kidney, kidney के निकायस, kidney stones, इसके causes क्या, symptoms क्या and treatment क्या, यानी kidney stones की वजूहात, उसकी अलामत और उसकी treatment, kidney failure, causes, symptoms and treatment, kidney के fail होने की वजूहात, उसकी अलामत और उसकी treatment, and last topic for today's lesson is role of Muslim scientist in treating kidney disorders. किसने किडनी डिसऑर्डर्स के बारे में मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या रोल है। ऑब्जेक्टिव्स, इन टूडेज लेसन स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। स्टूडेंट्स किडनी के डिसऑर्डर्स के बारे में, अबाउट किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन के बारे में, उसके काजेस, उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में, अबाउट किडनी फेलियर, काजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, किडनी फेलियर के काजेस, उसके सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, अबाउट रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट अबाउट किडनी डिजीजेस, किडनी डिजीजेस के बारे में, मुस्लिम साइंटिस्ट के किरदार के बारे में, रोल के बारे में, मुस्लिम साइंटिस्ट ने किडनी डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या किया। एट द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। लेसन के एंड पर स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि वो लेसन के एंड पर दिए गए सवाल के जवाब दे सके। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेसन डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। First one is kidney stones. When urine become concentrated, urine गाढ़ा हो जाता है, इसमें salts की मात्रा बढ़ जाती है। Crystals of many salts, for example, calcium oxalate, calcium and ammonium phosphate, uric acid, etc., are formed in it. जब urine गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें salts जैसा कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाती हैं। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन। ये बड़ी क्रिस्टल्स यूरिन के साथ मूव नहीं कर सकते एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड किडनी स्टोन्स। और किडनी में सख्त पत्थर की तह बना देती है जिसको हम किडनी स्टोन का नाम देते हैं। मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, ज्यादातर स्टोन्स किडनी में शुरू होती हैं एंड सम मे ट्रैवल टू यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर, और इनमें से कुछ यूरिनरी ब्लैडर के जरिए मूव कर जाती है, जैसा कि ये किडनी के अंदर स्टोन्स डिपॉजिट होती है। कब होती है? जब यूरिन के अंदर साल्ट्स की मकदार बढ़ जाती है, तो उस वक्त वो साल्ट किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और स्टोन बनाते हैं जिसको किडनी स्टोन का नाम देते हैं। काजेस ऑफ किडनी स्टोन्स, द मेजर काजेस ऑफ किडनी स्टोन्स आर एज, बुढ़ापा, ज्यादा उम्र, डाइट खुराक, मोस्टली वो विच कंटेन मोर ग्रीन वेजिटेबल, वो खुराक जिसमें सब्ज सब्जियों की मकदार ज्यादा, साल्ट्स, ऐसी खुराक जिसमें साल्ट्स की मकदार ज्यादा हो,
विटामिन सी एंड डी, ऐसी खुराक जिसमें विटामिन सी और डी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। रिकेयरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का ग्रुप जीरो, कि यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से वहां पर साल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं जो कि यूरिन में होते हैं। लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी का कम इस्तेमाल जिसकी वजह से कम यूरिन आता है और वो किडनी स्टोन्स का मुझे बनते हैं। अल्कोहल कंजप्शन, शराब का इस्तेमाल, दैट मे आल्सो कॉज किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन की मेजर वजूहत उम्र का ज्यादा होना, वो खुराक जिसमें ग्रीन वेजिटेबल साल्ट्स विटामिन सी और विटामिन डी ज्यादा हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, पानी का कम इस्तेमाल और अल्कोहल का इस्तेमाल, दैट मे कॉज किडनी स्टोन्स। सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स, द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड सीवियर पेन इन किडनी, गुर्दों में दर्द होना, आर इन लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना क्योंकि पेट के बैक साइड पर वर्टेब्रल कॉलम के साथ रीढ़ की हड्डी के साथ घुटते हैं, तो गुर्दों का दर्द पेट में भी महसूस होता है। वोमिटिंग, क्या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, शाप का बार बार आना, एंड फाउल स्मेलिंग, और फाउल स्मेलिंग बदबूदार यूरिन विद ब्लड एंड पस, जिसमें ब्लड और पस हो, यानी ऐसा यूरिन जिसमें बदबू हो और उसके साथ खून और पस भी हो, ये मेन सिम्टम्स हैं। सीवियर पेन इन किडनी, इन लोअर एब्डोमेन, वोमिटिंग, कहना ज्यादा शाकाहार, यूरिन का खून और पस के साथ और बदबूदार, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स, अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम, 90% किडनी स्टोन्स यूरिनरी सिस्टम से खुद ब खुद रिमूव हो जाती है बाई ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी के ज्यादा इस्तेमाल से। अगर हम ज्यादा पानी पिए तो 90% किडनी स्टोन्स किडनी से रिमूव हो जाती, जो रह जाती है उनको रिमूव करने के दो तरीके। किडनी स्टोन्स कैन बी ट्रीटेड बाय टू वेज, सर्जिकल ट्रीटमेंट, इन सर्जिकल ट्रीटमेंट द अफेक्टेड एरिया इज ओपन, सर्जिकल ट्रीटमेंट में किडनी का अफेक्टेड एरिया उसको खोला जाता है एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड, और स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है। सेकेंड वन इज लिथोट्रिप्सी, दैट इज रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशन के जरिए किडनी स्टोन को तोड़ा जाता है। इन लिथोट्रिप्सी नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन द स्टोन्स इन द यूरिनरी सिस्टम, इसमें यूरिनरी सिस्टम पर किडनी स्टोन्स के ऊपर नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स बम्बार्ड की जाती है जो कि किडनी स्टोन को सेल लाइक मटीरियल में तोड़ देती है। वेव्स हिट द डेंस स्टोन्स एंड ब्रेक देम, स्टोन्स बिकम सेल लाइक एंड आर पास थ्रू द यूरिन, वेव्स स्टोन के ऊपर हिट करती हैं और उसको सेल लाइक मटीरियल में तोड़ देती हैं, विच इज पास थ्रू द यूरिन, जो यूरिन के जरिए बॉडी से खारिज हो जाती है। तो ये लिथोट्रिप्सी दैट इज रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशंस के जरिए स्टोन्स को तोड़कर गुर्दों से निकाला जाता है। सेकंड डिसऑर्डर इज किडनी आर रिनल फेलियर, किडनी फेलियर मींस कंप्लीट आर पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन, ये वो हाल है जिसमें किडनी मुकम्मल तौर पर या आर्जी तौर पर काम करना छोड़ देता है। कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर, किडनी फेलियर के कॉजेज डायबिटीज मेलिटस, शुगर एंड हाइपरटेंशन,
high blood pressure are the leading causes of kidney failure. Kidney failure के दो main वजूहात हैं, यानी sugar और blood pressure kidney failure की दो main वजूहात हैं. In certain cases, sudden interruption in the blood supply to kidney and drug overdoses may also result in kidney failure. बाज़ औक़ात किडनी को खून की सप्लाई का रुक जाना या अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल, ओवरडोज़ेस, अद्वियात की ज्यादा मकदार में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर, भी किडनी के फेल होने का वजह बन सकता है. यानी किडनी फेलियर की मेन वजूहात दो, एक शुगर और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर. इसके अलावा अगर ब्लड की सप्लाई किडनी को रुक जाए या अद्वियात की ज्यादा मकदार ली जाए तो उससे भी किडनी फेलियर हो जाती है. सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर. द मेन सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर इज द हाई लेवल ऑफ यूरिया और अदर वेस्ट इन ब्लड. क्योंकि किडनी के फेल होने की वजह से ब्लड से यूरिया और वेस्ट फिल्टर नहीं होते, इसलिए ब्लड में वेस्ट और यूरिया की मकदार बढ़ जाती है, विच कैन रिजल्ट इन, जिसकी वजह से वोमिटिंग, नौजिया, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन यूरिन रिकूप जीरो हो जाता है. यानी अगर किडनी फेल हो जाए तो ब्लड से यूरिया और वेस्ट फिल्टर नहीं होते, जिसकी वजह से क्या मतली होना, वेट लॉस, वजन की कमी होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशाब का बार बार आना, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के साथ खून का आना, ये अलामत ज़ाहर होती है. एक्सेस फ्लूइड इन ब्लड. एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी मे आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स. बॉडी के अंदर फ्लूइड के बढ़ जाने की वजह से टांगों में, पांव में एंड फेस और चेहरे पर सूजन हो जाती है. सूज जाती है पांव, टांगे और चेहरा सूज जाता है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस फूलना शुरू हो जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर. किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट. किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट. किडनी फेलियर को हम डायलिसिस के जरिए या किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए ट्रीट करते हैं. डायलिसिस दो तरह की होती है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट. फर्स्ट अबू नसर अल फराबी. ही वाज अ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हु रोट मेनी बुक्स दैट कंटेन्ड इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी. इसने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें उसने किडनी डिजीजेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी. सेकंड अबू अल कासिम अल ज़हरावी, नोन एज अल बुकैसिस. ही इज कंसीडर्ड टू बी इस्लाम्स ग्रेटेस्ट सर्जन. इसे इस्लाम का एक बहुत बड़ा सर्जन तसव्वुर किया जाता है. Who invented many surgical procedures, जिसने बहुत सारे surgical तरीके invent किए, including the surgical removal of stones from the urinary bladder, जिसमें urinary bladder से kidney stones को remove करने के भी बहुत से तरीके इसने explain किए. His encyclopedia, his encyclopedia, यानी इसकी किताब अल तसरफ, इसके मीनिंग मेथड के, दी मेथड, कंटेन ओवर 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ही पर्सनली डिजाइन. इसकी किताब तसरफ में इसने 200 से ज्यादा सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया है जो इसने खुद डिजाइन किए हैं टू रिमूव किडनी स्टोन्स. रिकैप्चुरेशन.
डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी जो कि दो तरह के किडनी स्टोन्स, सिम्टम्स पेन इन एब्डोमिन, पेन इन किडनी, यूरिन विद ब्लड, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ट्रीटमेंट. किडनी स्टोन इज ट्रीटेड बाय सर्जिकली बाय ओपनिंग द किडनी और बाय लिथोट्रिप्सी जिसमें हम रेडिएशन के लिए स्टोन्स को तोड़कर निकालते हैं. दूसरा है किडनी और रीनल फेलियर. काजेस डायबिटीज और हाइपरटेंशन यानी शुगर या ब्लड प्रेशर. सिम्टम्स फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मोर यूरिया और साल्ट्स इन द ब्लड, वोमिटिंग, स्वेलिंग इन लेग्स एंड फेस आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर. ट्रीटमेंट किडनी फेलियर इज ट्रीटेड बाय डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट. रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट अबू नसर एंड अबुल कासम अल ज़रावी. अबू नसर जिसने किडनी के बारे में बहुत सारी डिजीजेस के बारे में लिखा और अबुल कासम अल ज़रावी जिसने मोर देन 200 मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखा जो कि किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. Let us review our lesson with a small assignment that contains three parts. Part A, multiple choice questions. First one is, most stones start in dash. Most stones start in dash. Option A is ureter. Option B is urinary bladder. Option C is kidney. Option D is urethra. The correct option is C, kidney. Second, about dash of all kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water. Option A, 80%. Option B, 90%. Option C, 70%. Option D, 60%. Correct option is option B, 90%. Third, Al-Zahrawi's encyclopedia, Al-Tasrif, contained over 10 surgical medical instruments. Option A is 143, option B 130, option C 200, option D 300. That option is option C, 200. Part B, give short answers of the following questions. Question 1 is, what are the causes of kidney stones? Kidney stones ki main causes kya hai? Jisme causes likhe hain kidney stones ki. What are the symptoms of kidney stones? Symptoms of kidney stones, pain in lower abdomen, pain in kidney, urine with blood, ये इसकी symptoms लिखेंगे. What is lithotripsy? Define it. इसमें lithotripsy को define करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे. What is the role of Abu Nasr al-Farabi? इसमें Abu Nasr al-Farabi वाली पहले दो लाइनें जो है वो लिखेंगे. What are the causes of kidney failure? Kidney failure की causes क्या है? इसमें सिर्फ causes लिखेंगे. Hypertension, डायबिटीज मेलिटस वो इसमें लिखेंगे. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर? किडनी फेलियर की सिम्टम्स वो इसमें दर्ज करेंगे. पार्ट सी विच इज लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन किडनी स्टोन्स काजेस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट इन डिटेल. किडनी स्टोन की काजेस, उसकी सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट को डिटेल में बयान करेंगे. क्वेश्चन टू, एक्सप्लेन किडनी यानी रीनल फेलियर काजेस सिम्टम्स इन डिटेल. इसमें हम किडनी फेलियर के काजेस सिम्टम्स डिटेल से बयान करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन. बेस्ट ऑफ
Allah Allah.